ओम शांति। रूहानी खातिरी में आपका स्वागत है। हम आत्माएं जब परम धाम से नीचे आती हैं तो बिल्कुल प्योर, शुद्ध, पवित्र आती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम आत्माओं के ऊपर जो व्यर्थ रूपी कीचड़ा जो जमा होता जाता है, जिसके कारण हम आत्माएं जो मूर्तियों के समान थी, वो आत्माएं पत्थर के समान बन जाती हैं। अब बाबा हमें फिर से कहता है कि इस व्यर्थ से मुक्त होने पर ही हम फिर से उस मूर्ति के समान बनेंगे। तो इस विषय पर आज बाबा ने कहा, फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल व कर्म से मुक्त बनो। व्यर्थ व निगेटिव यही बोझ सदाकाल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से सदा हल्के फरिश्ते बने हो? बाबा यही चाहते हैं कि हम हर प्रकार से हल्के बने, क्योंकि जब तक हल्के नहीं बनेंगे तब तक फरिश्ते नहीं बनेंगे। डबल लाइट तभी रह सकते हैं जब संकल्प, बोल व कर्म में हर प्रकार के नेगेटिव से, व्यर्थ से हम मुक्त रहें। तो अब हमारा पुरुषार्थ व्यर्थ से मुक्त और समर्थ स्थिति में स्थित रहने का होना चाहिए। इसी को हमारा लक्ष्य बनाना है। ओम शांति।